जय माता दी। आगे वालों जय माता दी। नीचे वालों जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो यहाँ से आप लोगों को नीचे के लिए जाना है, भवन का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप हरिद्वार से ट्रेन से कटरा तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम चलते हैं यहां कटरा से माता वैष्णो देवी के भवन तक। तो मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल्स कि कैसे आप यहां कटरा से माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं, पैदल यात्रा किस तरह से होती है, घोड़े खच्चर से किस तरह से होती है, डोली से कैसे होती है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, रुकने की क्या व्यवस्था है, कंप्लीट डिटेल जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। तो इसलिए हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए। तो दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए हमने जो रूम लिया था वो यहीं पास में ही लिया था, जहाँ से अभी हम पैदल चल रहे हैं यहीं हमने लिया था मार्केट में। तो अगर हो सके तो आप मार्केट में लीजिए, नहीं तो आप स्टेशन के आसपास भी लेते हैं तो भी वहाँ से आप यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। 2 किलोमीटर का फासला है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ से जब आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ से ही नीचे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है माता वैष्णो देवी मंदिर के जाने के लिए। तो ये देखिए आप, बहुत सारे लोग आ रखे हैं आजकल, क्योंकि बहुत दिनों बाद मंदिर खुला है आजकल पूरी तरीके से। और ये लाइन लगती है यहाँ पर। यात्रा पर्ची हमने ले ली थी पहले ही, तो आप भी जब भी यहाँ पर आएँ तो सबसे पहले ये काम करें कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन में उतरते ही वहाँ से यात्रा पर्ची ले लें। नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, मार्केट में प्राइवेट जो दुकानदार होते हैं वो भी आपकी यात्रा पर्ची बना देंगे, जिसका 10 रुपये चार्ज लेते हैं। तो ये जो यहाँ से यात्रा शुरू होती है, जिसको घोड़े खच्चर से जाना है वो यहीं से अपने घोड़े खच्चर बुक करवा लेता है, और जिसको पैदल जाना है, यहीं आगे से मैं आप रास्ता दिखाऊँगा, वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। तो अगर आप भी आजकल में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं माँ वैष्णो देवी के, तो इसके लिए आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके बाद जब आप यहां आ जाएंगे तो पहले आप ले लीजिए यात्रा पर्ची, और उसके बाद इस तरह से लाइन में लगकर यहां पे आपकी यात्रा पर्ची चेक होगी, उसके बाद ही आप आगे जा पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यात्रा पर्ची चेक करवाते हैं। मिलेगा घोड़ा मिलेगा, क्या रेट है घोड़े का? 1250 तो जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो रास्ते में कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, खाने पीने के सामान की व्यवस्था है, स्टूडियो हैं जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। माँ वैष्णो देवी के दरबार की तरह यहाँ पे स्टूडियो बनाए हुए हैं जहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर तो फ़ोटो नहीं खिंचवा पाएंगे। मंदिर में आपको दर्शन करने का टाइम बहुत ही कम मिलता है, बिल्कुल सेकेंडों का टाइम मिलता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ लंगर भी लग रहा है, रास्ते में लंगर वगैरह प्रसाद वगैरह लगते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे भी भोजन कर सकते हैं। ये लंगर का रास्ता है, यहीं पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहीं पर लंगर वगैरह भी मिल जाता है। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे लंगर वगैरह भी चलते रहते हैं। इसके बाद अगर आप पैदल चलना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक रास्ता जाता है ताराकोट के लिए, जो एक नया रास्ता बना हुआ है और बहुत ही शानदार रास्ता है। तो अगर आप यहाँ पर घोड़े से जाते हैं पूरा ऊपर भवन तक, तो उसका चार्ज बैठता है 1250 रुपये। और अधकुंवारी तक जाते हैं, रास्ते में अधकुंवारी पड़ता है जहाँ पे माता वैष्णो की गुफा है, तो अगर वहाँ तक रास्ते आधे तक जाते हैं तो उसका घोड़े का चार्जेस 650 रुपये है। इसके अलावा अगर डोली की बात की जाए तो डोली का चार्जेस जो ऊपर पूरा ऊपर तक जाने का है वो बैठता है 3150 रुपये। और अगर आप डोली से अधकुंवारी तक ही जाते हैं तो इसका चार्जेस 1800 रुपये पड़ेगा। तो इस तरह के यहाँ पर चार्जेस हैं, तो आप अपनी सुविधानुसार जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं। और हम तो जाने वाले हैं पैदल रास्ते से, तो मैं आपको बताऊंगा कि पैदल रास्ते से कैसे कैसे आप जा सकते हैं और कैसा ये रास्ता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं अपने पैदल ट्रैक। अभी जो मैंने आपको दिखाया था, एक नीचे का रास्ता जा रहा था पैदल, और एक ताराकोट का रास्ता है जो ये नया रास्ता बना हुआ है, और एक घोड़े खच्चर का रास्ता है जो सीधे ऊपर को जा रहा था। उस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको घोड़े खच्चर ज़्यादा मिलेंगे और चलने में काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप इस रास्ते में जाते हैं तो इसमें भीड़भाड़ भी कम मिलेगी और पैदल चलने के लिए ये रास्ता बढ़िया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर घोड़े खच्चर नहीं चल रहे हैं और ये रास्ता बड़ा ही आराम से आप पहुंच सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर पड़ता है, ये उससे 3-4 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस ट्रैक में ज़्यादा चढ़ाई नहीं है और आराम से आप पहुँच सकते हैं।
तो इसलिए हम जा रहे हैं पैदल वाले रास्ते, तो इसी ट्रैक से हम जाएंगे। ये जो नया रास्ता है ये बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ रास्ते में खाने पीने के लिए दुकान भी हैं, इसके अलावा बैठने की भी व्यवस्था है। तो काफ़ी अच्छा ये रास्ता है, पैदल ये लंबा जरूर पड़ता है, और अगर आप चाहें तो वो पुराने वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें घोड़े खच्चर ज़्यादा मिलते हैं तो आपको दिक्कत होगी। इसमें आप आराम से लोगों के साथ जयकारे लगाते हुए जा सकते हैं। दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा के दौरान सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए ही है, यहाँ जगह जगह पे चेकिंग होती रहती है। तो दोस्तों, आधा सफ़र अभी हम तय कर चुके हैं पैदल रास्ते से। जो ये पैदल रास्ते वाला ट्रैक है ये काफ़ी सही है, क्योंकि इसमें एक तो घोड़े खच्चर नहीं चल रहे हैं और इसकी चढ़ाई खड़ी नहीं है, जिस कारण से इसको अगर आप पैदल चलने में सक्षम हैं तो आप आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर आप पैदल नहीं चल पाते हैं तो आपको घोड़ा या खच्चर ही करना होगा, जो आपको उधर वाले रास्ते में मिल जाएगा। और घोड़े की जो यहाँ पे एक साइड की रेट है वो है 1250 रुपये, जिसमें आपको वो नीचे से पूरा ऊपर भवन तक छोड़ देंगे। और दोनों साइड का करते हैं तो इसका डबल कर लीजिए आप। और इसी तरीके से अगर पालकी लेते हैं तो पालकी का 3000 रुपये है। तो जैसा आप चाहें वैसा आप यहाँ पर जा सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह पैदल चलने में सक्षम है तो आप पैदल भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ट्रैकिंग करना पसंद है, इसलिए मैं तो ज़्यादातर जगह पैदल ही जाना पसंद करता हूँ। तो चलिए फिर दिखाता हूँ आपको आगे का ट्रैक। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पैदल यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लंगर भी हैं, जहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं, फ्री सेवा है ये। और यहाँ पे आपको खाने के लिए भी खाना मिल जाएगा। और ये लोकेशन देखिए यहाँ की, रास्ते में दो तीन जगह पे पड़ते हैं श्राइन बोर्ड के हैं लंगर, इनमें आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो हमने भी यहाँ से ही लंगर खा लिया है, और हम प्रसाद लेने के बाद चलते हैं ऊपर की ओर। तो दोस्तों, आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे जो चढ़ाई है ये 16 किलोमीटर की है, और ये पहाड़ी पर है, तो इसलिए अगर आपको घोड़ा खच्चर या डोली जो भी करना है वो पहले ही कर लें, क्योंकि पैदल वाले रास्ते में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है बीच में। तो अगर आप थक जाएंगे तो आपको फिर भी पैदल ही चलना होगा, इसलिए अगर अच्छा होगा अगर आप नहीं चल पाते हैं पैदल तो पहले ही स्टार्टिंग में या तो डोली ले लें या तो घोड़े ले लें। इस पैदल वाले रास्ते पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे केवल पैदल के लिए ही ये रास्ता बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, 16 किलोमीटर का ट्रैक है और खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी लोग अभी यहाँ पे थक चुके हैं, लेकिन अब उनको कुछ नहीं मिल रहा जाने के लिए ऊपर। ये है रास्ते में कुछ खाने पीने के कैफ़े, कॉफ़ी कैफे वगैरह। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अधकुंवारी में, ये देखिए। अभी इसके बाद हम जाएं पहले आ जाएंगे अधकुंवारी, उसके बाद जाएंगे भवन में दर्शनों के लिए। तो दोस्तों, जब हम वैष्णो देवी मंदिर के लिए जाते हैं तो रास्ते में सबसे पहले पड़ता है अधकुंवारी, तो अधकुंवारी में पहले दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद जाया जाता है भवन के लिए। तो अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं अधकुंवारी में, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं रास्ता दिखा रहा है, और ये ऊपर है अधकुंवारी। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर दर्शनों के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर भवन में, जहाँ पर माता वैष्णो देवी का भवन है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं अपना दर्शनों के लिए, क्योंकि इनका नंबर एक या दो दिन बाद होगा, इसलिए ये वेट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही दर्शन हो पाते हैं। इस बात का हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। तो दोस्तों, ये जो जगह है अधकुंवारी, यहाँ पर माता वैष्णो देवी की गुफा है, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, और गुफा से निकलने में क्योंकि टाइम लगता है इसलिए यहाँ पर लाइन भी लंबी लग जाती है। तो यहाँ पे पहले पर्ची लेनी होती है, तो यहाँ पे नंबर जो आता है लगभग 24 घंटे बाद आता है, इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पे जो वेट कर रहे थे, लेटे हुए थे, वो अपने दर्शनों के लिए वेट कर रहे थे। जब हम यहाँ पे हमने पता किया नंबर के लिए, तो हमारा नंबर भी 24 से 36 घंटे बाद आना था, इसके लिए यहाँ पे एक पर्ची भी ली जाती है, उसके बाद 50-50 के बैचेस में यहाँ अंदर दर्शनों के लिए भेजा जाता है। लेकिन हमने अपना टिकट पहले ही बुक कर लिया था, जिस कारण से फिर हमको यहाँ पे हम दर्शन नहीं कर पाए, हम यहीं बाहर से ही दर्शन करके फिर हमको वापस होना पड़ा। लेकिन अगर आप यहाँ पे दर्शनों के लिए रुकते हैं तो यहाँ पे रूम्स वगैरह भी बनाए हुए हैं रात को ठहरने के लिए, यहाँ पे आप अंदर अपना यहाँ पे कंबल वगैरह मिल जाते हैं, कंबल ले करके यहाँ पर सो सकते हैं।
ये देखिए आप यहाँ पे कई सारे लॉकर रूम भी हैं जहाँ पे अपने सामान भी रख सकते हैं और यहाँ पे लेट भी सकते हैं। कई लोग तो यहाँ पे आपको बाहर पे ही लेटे हुए दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं और एक दिन बाद, और नवरात्र के टाइम पे तो और भी ज़्यादा भीड़ रहती है, उस टाइम पे नंबर आने में और टाइम लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे दर्शन होते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं आगे ऊपर मेन मंदिर की ओर। लोकेशन देखिए आप यहाँ पे, बहुत ही सुंदर ये जगह है। ये देखिए यहाँ सामने बिल्कुल खड़ी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे माता का मंदिर है और गुफा है, ये देखिए आप। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अर्धकुंवारी के लिए समझ लीजिए एक दिन का समय लगता है। तो उसके बाद आप यहाँ से दर्शन करके फिर ऊपर की ओर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे थक चुके हैं पैदल चल के, तो यहाँ पे आप घोड़ा खच्चर ले सकते हैं, डोली ले सकते हैं। इसके अलावा बैटरी कार का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अर्धकुंवारी से ऊपर भवन के लिए बैटरी कार्स भी चलती हैं जिनका चार्जेस 350 रुपये के लगभग रहता है। तो इसमें आप बड़े ही आराम से इसके बाद का सफ़र बैटरी कार से भी कर सकते हैं। बाकी आप पैदल करना चाहें तो आगे की यात्रा को भी आप पैदल ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे तक यहाँ पे पैदल जाते हुए आपको नज़र आएंगे। बूढ़े से बूढ़े लोग भी यहाँ पे पैदल चलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि पहले के समय में लोग पैदल ही जाया करते थे। अब धीरे धीरे करके यहाँ फैसिलिटी हो गई हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी पैदल जाना ही पसंद करते हैं। तो ये देखिए आप, हम लोग भी काफ़ी थक चुके थे इस यात्रा में चलते चलते, क्योंकि 16 किलोमीटर की एक साइड की चढ़ाई है, उसके बाद 16 किलोमीटर हमें नीचे भी उतरना है। ये देखिए। तो भाई तेरे को क्या लगता है यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो आ पाएंगे पैदल चल के? अरे बहुत टफ है, इतना हाइट पर आने के लिए उनको घोड़ा गाड़ी तो करना ही चाहिए। तो बाकी तो अपने उस पर कितना ठंडा रखता है अपने अंदर, वरना तो हम जवान लोग, हमारी खुद हालत ख़राब हो रही है। ये देख सकते हैं मेरे हिसाब से बुजुर्ग लोग तो ज़्यादातर ये डोली पे ही जा रहे हैं, क्योंकि डोली उनके लिए सबसे कंफर्टेबल है। घोड़े पे भी जाते हैं तो भी वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा जितना डोली कंफर्टेबल है। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेस्ट वो है कि फ्लाइट कर लो, हेलीकॉप्टर की फ्लाइट है। हेलीकॉप्टर सर्विस लेकिन पहले बुक कर ले तो आप पहले बुक कर लो मिल जाएगी, और उसमें टाइम भी बच जाता है, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है टाइम भी बच जाता है, अपना इजीली दर्शन भी हो जाते हैं। हाँ, तो अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो बहुत पहले ही अपना हेलीकॉप्टर का ही टिकट बुक कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा बजाय डोली या उस घोड़ा करने के। नहीं तो इसमें कितनी बुकिंग, कितना वेटिंग रहती होगी? वेटिंग रहती है क्या इसमें? ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। नहीं तो वेटिंग रहती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर को यहाँ पर भवन कहा जाता है, और यहाँ से सामने अगर आप देखेंगे, अब हम काफ़ी पास पहुँच चुके हैं, तो अब ये भवन हमें यहाँ से भी नज़र आने लगा है। तो अब हम भवन के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, ये देखिए आप। तो अब हमें यहाँ तक जाना है, थोड़ा ही रास्ता रह गया है, तो अब चलते हैं भवन में। और जो लोग हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को करना चाहते हैं तो नीचे कटरा से ही हेलीकॉप्टर चलते हैं ऊपर यहाँ सांझी छत तक, मतलब भवन के बिल्कुल पास तक। तो आप हेलीकॉप्टर से भी इस यात्रा को कर सकते हैं, लेकिन टिकट आपको पहले ही ऑनलाइन बुक करना होगा। अगर आप पहले ऑनलाइन बुक नहीं करते हैं और यहीं पर आकर ऑफलाइन बुक करने की सोच रहे हैं तो कई बार आपको टिकट नहीं मिलेगा। वैसे ऑफलाइन मिल भी जाता है कई बार, जब भीड़ कम रहती है तो उस टाइम पे मिल जाता है, लेकिन भीड़ यहाँ पे हर समय ज़्यादा ही रहती है। तो अच्छा होगा कि पहले ही आप ऑनलाइन टिकट को बुक कर लें। 1800 रुपये यहाँ पर चार्जेस रहता है एक साइड का। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भवन से पहले ही, थोड़ा सा पहले ही यहाँ पे आपको रोपवे की सुविधा मिल जाएगी भैरव मंदिर तक। लेकिन पहले आप भवन में दर्शन करके आइए माता रानी के, उसके बाद ही भैरव मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो रोपवे से भी जा सकते हैं, लेकिन रोपवे शाम को 6 बजे तक ही यहाँ पे फैसिलिटी है इसकी। 6 बजे के बाद रोपवे की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी आपको, और रोपवे का जो यहाँ पे चार्जेस है वो एक साइड का 100 रुपये है। और फाइनली हम ऊपर तक पहुँच ही गए हैं, अब मंदिर बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ही चल के हम मंदिर तक भी पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मंदिर में फ़ोटो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो बस हम मंदिर के नीचे तक की ही वीडियो, मतलब नीचे भवन तक की ही वीडियो बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी चल रही है आजकल। ये देखिए, साफ़ सफ़ाई भी काफ़ी अच्छी है और लोग बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। ये देखिए, और मौसम देखिए एक बार, यहाँ पे बिल्कुल चोटी पे है इसलिए यहाँ का मौसम देखिए, बादल सामने नज़र आ रहे होंगे आपको पहाड़ियों के। ये देखिए हम पहुँच गए हैं भवन में। तो बाकी ऊपर का वीडियो बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद फिर हम गए भैरव बाबा मंदिर में। तो यहाँ पे जो भैरव बाबा मंदिर है, इसकी चढ़ाई है लगभग 3 किलोमीटर की, और हमने जो अभी तक चढ़ाई की थी लगभग 12 से 13 किलोमीटर की चढ़ाई हम पहले ही कर चुके हैं।
अब हमें जाना है भैरव बाबा मंदिर में। तो भैरव बाबा मंदिर में जाने के लिए भी मैंने आपको पहले बताया कि अगर रोपवे से जाते हैं तो शाम तक ही जा पाएंगे, 6 बजे तक, उसके बाद रोपवे की सुविधा बंद हो जाती है। अब अगर आपको जाना है घोड़े खच्चर से जा सकते हैं, डोली से जा सकते हैं, या फिर पैदल ही आप जा सकते हैं। तो हमने पूरी यात्रा पैदल करने का डिसाइड किया था, तो अब हम पैदल ही यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। तो देखिए आप, यह है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत रास्ते हैं, लाइटिंग वगैरह हो रखी है, रात भर ये यात्रा चलती रहती है, तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, 24 घंटे ये यात्रा चलती है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, अगर आप पैदल चढ़ाई कर रहे हैं तो खाना पीना कम खाएं, क्योंकि अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो चढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए हमने बस एक बार लंगर किया था, वो भी काफ़ी कम खाना खाया था, और हमने पानी वगैरह पिया, जूस वगैरह पिया, लेकिन वैसा खाना ज़्यादा नहीं खाया। तो अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर के लिए, तो वहाँ पे भी फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। तो ये है कुछ ऊपर का नज़ारा भैरव मंदिर का, ये देखिए यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं ऊपर मंदिर में, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा रास्ता, यानी घोड़े खच्चर वाला जो रास्ता है, पुराना रास्ता, उससे हम वापस जाएंगे नीचे, तब हमारी जर्नी कम्प्लीट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ से फ़ोन करना चाहते हैं तो STD भी है यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आके अदर स्टेट के जो सिम होते हैं वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो अगर आपको यहाँ से फ़ोन करना है किसी को अपने घर पे, तो आप यहाँ पे STD से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं रास्ते और सारी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप वैष्णो देवी माता की यात्रा को कर सकते हैं। और अब हम जाएंगे नीचे दूसरे रास्ते से, यानी पुराने वाले रास्ते से, क्योंकि रास्ते में कुछ मंदिर भी पड़ते हैं, जैसे एक चरण पादुका नाम से मंदिर पड़ता है, तो उसकी भी दर्शन कर लेंगे। और रात को जाने के लिए वो रास्ता अच्छा है, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ रहती है, और जो पैदल रास्ता है उसमें भीड़ कम रहती है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा। इसलिए हम जा रहे हैं अभी इस रास्ते से ही, पुराने रास्ते से, और नीचे उतरने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, तो इसलिए अगर हम इससे नीचे भी उतरते हैं तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, फटाफट हम इस रास्ते से ही नीचे पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। और हम पहुंच चुके हैं एक और जो मंदिर पड़ता है रास्ते में, चरण पादुका। यहाँ पे माँ वैष्णो देवी की चरण की पूजा होती है, और उन्हीं के चरणों के नाम पर यहाँ पर मंदिर का नाम पड़ा है चरण पादुका। तो ये भी जब आकर आप इसी रास्ते आएंगे तो उसी टाइम दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप ऊपर से आएंगे तो तब आप इस रास्ते से आकर यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी ये जर्नी कंप्लीट हो गई, और हम एक ही दिन में नीचे से ऊपर मंदिर तक गए, और मंदिर से वापस नीचे कटरा तक आए। हमको इस यात्रा को करने में लगभग 14 से 15 घंटे का समय लगा, और हम लोगों को वैसे ज़्यादा चलने की आदत नहीं थी, फिर भी हम धीरे धीरे करके इस यात्रा को हमने कर लिया। 14 से 15 घंटे लग गए, और एक ही दिन में हमने कंप्लीट कर लिया। फिर रात को हम पहुँचे नीचे कटरा में। तो इस तरह से अगर आप एक दिन में भी करना चाहें तो इस यात्रा को एक दिन में कर सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और रात का टिकट लेके पहुंचे हैं कटरा में, तो आपको रूम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही सीधे सुबह फ्रेश होके निकल जाइए यात्रा पे, और अगले दिन रात को आप पहुंच जाएंगे यहाँ नीचे कटरा में। तो इस तरह से यात्रा कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वैष्णो देवी यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।